नमस्कार, स्वागत है आपका फिल्मी बीट में। आपके साथ मैं हूं दीपिका नयाल। आज बिग बॉस के घर में कुछ ऐसा होने वाला है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। जी हां, अब तक आपने घर के सदस्यों को रोते हुए देखा होगा, चिल्लाते हुए देखा होगा, लेकिन शायद आपने रोमिल चौधरी को रोते हुए कभी नहीं देखा होगा। लेकिन आज घर में रोमिल चौधरी सुरभि राणा के आरोपों के बाद रोते हुए नजर आएंगे। जी हां, रोमिल चौधरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और इस आंसू की वजह बनती है सुरभि राणा। सभी जानते हैं कि इन दिनों सुरभि राणा और रोमिल चौधरी की बिल्कुल भी नहीं बनती। दोनों के बीच 36 का आंकड़ा है, लेकिन ये लड़ाई तब ज्यादा बढ़ जाती है जब होता है घर में लग्जरी बजट टास्क, और इसी टास्क में सुरभि घर वालों से भिड़ जाती है, जिसके बाद वो रोमिल चौधरी पर गंभीर आरोप भी लगाती है। सुरभि राणा घर वालों के सामने कहती है कि आखिर रोमिल चौधरी अपनी भूतपूर्व की बहन को क्यों घूरता है। इसके बाद रोमिल चौधरी को सुरभि राणा वार्निंग भी देती है, और उसके बाद सुरभि राणा रोमिल से कहती है मुझे मत घूरना, जिसके बाद रोमिल चौधरी घर वालों के सामने रोना शुरू कर देते हैं। ये पहली बार है जब घर में रोमिल चौधरी रोते हुए नजर आते हैं। रोते रोते रोमिल चौधरी कहते हैं कि मैंने आज तक इतनी बड़ी बात लाइफ में नहीं सुनी है। जिसके बाद सोमी खान भी सुरभि के खिलाफ नजर आती है। सोमी खान रोमिल को सपोर्ट करती है, लेकिन अब लगता है कि सुरभि और रोमिल का विवाद सुलझने वाला नहीं है। ये लड़ाई नहीं थमेगी क्योंकि सुरभि का पारा 7वें आसमान पर है। इतना ही नहीं, लग्जरी बजट टास्क में सुरभि पर घर वाले भी गंभीर आरोप लगाते हैं, उनकी कैप्टनसी पर भी सवाल उठाते हैं, जिसके बाद सुरभि राणा के तेवर और ज्यादा गर्म हो जाते हैं। बहरहाल देखना ये होगा कि आज सुरभि राणा पर रोमिल चौधरी क्या कुछ रिएक्शन देते हैं, और क्या आने वाले वक्त में इन दोनों के बीच इसी तरीके से 36 का आंकड़ा रहेगा, या फिर ये दोनों वापस हैप्पी क्लब में तब्दील हो जाएंगे। खैर, हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बाकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।